बापना मतलब पापा, पापा अच्छा दहेज में शादी हाँ, और क्या के लिया दहेज में तो अपने माता जी है इतनी सारी माता जी चांदी की है अच्छा और ये कितनी है टोटल चूड़िया 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 20 है 20 है ये ऊपर वाली 20 है और नीचे वाली ये नीचे तो थोड़ा ये ऊपर 20 तो ये ऐसे है बड़ी छोटी 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 है ना ये कहाँ बाजार में मिल जाती है क्या हाँ बाजार में मिलती है हम लेना चाहे तो मिलेगी कितना पैसा कितना 500 400 300 तो ये आप पूरा रात को सोते टाइम भी पहनते हो दिन भर रात भर दर्द नहीं होते मंगा में जगह पैर उड़ा रहे जिंदगी जीते हैं पैर उड़ रहे जब तक मरोगे नहीं जब तक पहने में ही रहोगे ऐसा हाय एवरीवन मैं पूजा माहेश्वरी आपकी दोस्त और स्वागत करती हूँ आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से सटे हुए विलेजेस का लाइफस्टाइल, लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे करते हैं और भी बहुत सारी बातें उनसे करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं लोगों से और जानते हैं यहाँ की बॉर्डर लाइफ के बारे में। कपड़ा धो रही हो, पानी कटो ले रहा हो, पास से कितनी दूर हुआ है पानी, टाका है कि पानी का खारो पानी है मीठो है मीठो। था का कोई रिश्तेदार भी साइड रहे कि पाकिस्तान में कोई रिश्तेदार रहे कि बठी ने है जी। आपने हाथों में ये प्लास्टिक की चूड़िया पहन रखी है अच्छा। और ये ड्रेस को क्या बोलते हो आप, ड्रेस क्या बोलो हाँ मतलब नाम क्या है इसका, जैसे कोई लहंगा बोलता है कोई क्या बोलता है, लहंगा बोला ये लहंगा बोलते हो और ऊपर वाले को ये ने ऊपर ऊपर वाले कब्जा कब्जा और ये इसको ये चुनरी चुनरी अच्छा। तो आप भील हो मतलब कौन सी जाति में हो, भील हो भील आदिवासी अच्छा। तो आपके कितने बच्चे हैं, तीन है। तीन स्कूल पढ़ते हैं यहाँ स्कूल है क्या आसपास में खास दूर है, कितनी दूर है 80 दुकान देखे अच्छा पास ही है तो आप इतने सारे सारे जने एक ही घर में रहते हो, घर के पूरे परिवार हैं यार ये बोलो कितने जने हैं, ससुराल बवा रहे हैं पांच जने कितने जने चार पांच औरतें और फिर आदमी भी तो है तो 10-15 मेंबर हो गए ना, इतने सारे बच्चे भी तो कमरे कितने हैं, कमरा घना ये घना कटे दो दिख रही है ये एक ही घर रखो अच्छा दूसरे एक ही अरे भगवान है पूरे अच्छा परिवार एक को परिवार एक ये बड़ी जेठानी अच्छा जेठानी है और आप देवरानी हो और आपकी कितनी बहू है, यार भी बहुआ तीन तीन नाले अच्छा। और आप तो अब ये चूल्हे पे रोटी बनाने वाले हैं और यहाँ पे चारों तरफ सारे बच्चे हैं जो कोई भी आज लगता है सबकी स्कूल की छुट्टी है, स्कूल की छुट्टी है आज स्कूल की छुट्टी है अच्छा नई साल है इसलिए। तो नई साल पे क्या किया आपने, नई साल पे क्या किया नया, नई साल के क्या बनाया, क्या बनाया नई साल पे, क्या बनाया कोई क्या बनाया स्पेशल स्पेशल बनाया कोई सीरो बनाया सीधा बनाया सुबह 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 माता जी मुझे बताऊं अच्छा तीन छह बहुएं हो गई टोटल, ये टोटल छह कौन घने हुए तीन हुआ देवर चार है संगार एक को भी पढ़ना है अच्छा ये पढ़ना है दंग चढ़ी जेठ सेंग तीन जेठ पढ़ना है दंग चढ़िया बीजना मोहर पढ़ना ना। आपकी भाषा कौन सी है, नहीं मतलब कौन जैसे मारवाड़ी तो कौन मारवाड़ी कौन तो किसी है हर गांव का ही मारो जयपुर जयपुर कोई पिक्चर देखी है कभी किसी पिक्चर हेलो मिट्टी से खेल रहा है बच्चा मस्त, इनकी जिंदगी है, इनकी जिंदगी में ना ही तो कोई डिजिटल लाइफ है ना ही कोई मोबाइल गेमिंग है, ये बच्चे बिल्कुल देसी तरीके से खेलते हैं।
युक्ति राम राम सा राजपूत हो हील लेकिन थाकी ड्रेस अलग है बाकी अलग है यान क्यों है थाकी ड्रेस अलग है बाकी ड्रेस अलग है अलग अलग थाकी तो ड्रेस राजपूत जान की है यान क्यों अलग अलग ड्रेस क्या है अलग अलग क्या है तो अलग 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 भील है अलग अलग अच्छा तो चूड़िया कौन पहनो वो बड़ी 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 चूड़िया क्यों आजकल कौन पहन है पहली पहर था कि है वो ठाकुर घर है अच्छा ये भी नहीं पहन रखे हैं यार आप लोगों की ड्रेस अलग क्यों है फिर क्या ड्रेस अलग अलग की पहरों के मतलब वह भील है तो वह तो बड़ी बड़ी चूड़िया पहन रहा है थे नहीं पहन रखे हो यानी क्यों छोटी आ रहा हूँ तो छोटा छोटा लोग ना नहीं पहनना पड़े बड़ा ना पहनना पड़े वैसा तो कुछ नहीं फैशन थोड़ी सी तो फिर ये ड्रेस तो आपकी राजपूतों जैसी है लेकिन ये तो ड्रेस ही अलग है ऐसा मैंने राजपूतों को नहीं ऐसे ड्रेस राजपूत जैसी लग रही तो अठर सारा भील ही है अच्छा अच्छा कितनी तक आठवीं तो बहुत होती है थोड़ी का हुई तो यहाँ पे क्या करते हो दिन भर घर का काम सिलाई करते हो अच्छा दिखाओ हाँ दिखाओ ना तो यहाँ पे वो टीवी भी नहीं है आपके घर पे टीवी नहीं देखते हो तो यूट्यूब देखते हो है फोन है तो फोन में यूट्यूब देखते हो अच्छा सिलाई मशीन सिलाई मशीन तो गांव में आपके कितने घर है यहाँ पे और बॉर्डर यहाँ से कितनी दूर है वैसे 2 किलोमीटर गए हो आप बॉर्डर पे तो बॉर्डर पे जाके कुछ अलग लगता है आपको ये हमको ऐसा कुछ नहीं इंटरेस्ट नहीं है कोई रहते हैं आपके रिश्तेदार उधर खेती बाड़ी करते हैं तो आपके भी खेत है उधर की तरफ उधर है हाँ। अच्छा तो फिर खेतों में जा सकते हैं नहीं जाती महिलाएं नहीं जाती है बस पुरुष जाते हैं तो उनको परमिशन लेनी पड़ती है तो आपके मतलब जैसे खेतों के बीच में से निकल रहे हैं तार वार नहीं टच है बॉर्डर अच्छा मतलब बॉर्डर टच ही खेत है आपके अच्छा तो रोज जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है जाने के लिए पर आधार कार्ड की कॉपी वहाँ जमा करनी पड़ेगी सुबह जाएंगे तो दिखा देंगे शाम को वापस लेके आएंगे अच्छा रोज मतलब आधार कार्ड दिखा के ही खेत पे जाना पड़ता है परेशानी होती है तब जाती नहीं खेत भी अच्छा जब दोनों कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर नहीं जाते तो खेती होती है वहाँ पे होती क्या क्या उगता है ये बाजरा मूंग मोठ अच्छा तो खेत आपके खुद के ही है यहाँ आसपास में स्कूल है कुछ अच्छा हाँ। पढ़ते हैं सब बच्चे इंग्लिश मीडियम भी है गटरा में हाँ, तो गटरा यहाँ से कितना दूर पड़ जाता है 1.5 किलोमीटर पास ही है जा सकते हैं बच्चे सही है और बताओ कोई इंसिडेंट आपको कोई याद है कोई उधर से इधर आ गया हो कभी ऐसा कोई आदमी या कोई औरत फिर पकड़ा गया हो देखा तो नहीं सुना एक दो बार हमारी शादी से पहले हुआ था अच्छा अब नहीं होता नहीं नहीं यार देखा तो नहीं नहीं यार मेरे से तो नहीं लेके गए हैं किसकी हो गई तो आप कहाँ रहते हो यहीं रहते हो यहीं पे ससुराल भी यहीं पर है कहाँ है ससुराल यहाँ से कितना दूर है 30 किलोमीटर ये है माता जी ये माता जी आई माता हाँ आई माता माता जी माता रे ये पूरा भगवान का ही कमरा है हाँ जोत लेते हो क्या आप हाँ कौन से दिन लेते हो जोत माता जी का मतलब कौन से दिन जैसे अमावस पूर्णिमा आई माता का कौन से दिन लेते हो अपने साती सातम अच्छा सप्तमी के दिन लेते हो जो सप्तम
ओके तो सारे लोग जो हैं आ गए। वैसे ये एक ही फैमिली के लोग हैं, मतलब सारा एक ही परिवार है इनका। और फैमिली तो फुल एक परिवार है, एक ही परिवार है, एक परिवार। गाँव में आज भी ज्वाइंट फैमिलीज देखने को मिलती है, शहरों में जहाँ हर कोई अब अलग अलग रहता है, सोलो फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली या फिर हस्बैंड वाइफ, गाँव में आज भी लोग साथ साथ रहते हैं और आराम से खुशी से रहते हैं, जबकि हम दो तीन लोग भी रहते हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ज्वाइंट फैमिली और असली खुशियां देखने तो आपको गांव में आना चाहिए। पानी जग ले जग, पानी कहाँ से लाते हो? पानी नल से, पानी नल का आएगा बहन जी, सा भाई नल का आएगा पानी। अच्छा, पानी नल का तो नल आता है यहाँ पे, सरकारी नल? हाँ सरकारी। अच्छा सरकारी नल है? हाँ सरकारी नल, सरकार की मतलब है सुविधा, स्कूल की भी और पानी की भी और बिजली की भी है। बिजली भी है, घर में बिजली है। और गैस? गैस नहीं है, गैस है, गैस भी है, लेकिन चूल्हे पे अच्छी लगती है रोटी, चूल्हे पे। हाँ सही बात है, खाने का असली आनंद तो चूल्हे पे ही है, बीमार भी नहीं पड़ते हैं। गैस के तो बीमारी हो जाती है, गैस के नहीं, माँ घर नहीं सकती, तो पड़ा है। तो अब लग रही है, आटा लगा रहे हैं ये बाजरी का, इसमें इन्होंने नमक डाला और पानी से अभी आटा डला रहे हैं। तो देखा आपने कितना सरल और बहुत ही सादगी भरा जीवन है यहाँ का, लोग बहुत ही कम में बहुत खुश रहते हैं। तो ऐसी ही वीडियो आपको मिलेगी सिर्फ मेरे ही चैनल पे, तो ऐसी एडवेंचर भरी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही था, ओके बाय बाय फ्रेंड्स।